माँ को गर्व है, पत्नी सैल्यूट कर रही है। ये शान है भारत माता के उस सपूत की, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद जवान नायक जयपाल गिल की, जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान करंट लगने से शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब टोहाना में उनके पैतृक गांव पहुंचा तो अंतिम विदाई देने वालों का तांता लग गया। बेटे को श्रद्धांजलि देने आई भीड़ को देख शहीद जयपाल की माँ बिना बोले नहीं रह पाई कि उन्हें अपने बेटे पर इतना गर्व है कि वो अपने पोते को भी पढ़ाकर सेना में भेज देंगी। मेरे परिवार का मेरा दुख भी बहुत बड़ा है, फिर मेरा बेटा देश के लिए शहीद होया, मेरा बड़ी कुर्बान है, मेरे देश में रोशन नाम करा मेरा बेटा का। ईशा शाह सुल्तान मेरे वर्गी बेटा है और पा जाए यो, मैं तो याद चाहूँ हूँ मेरा पोता गाबरू भेजेगा पढ़ा लिखा के, मैं उसमें जोड़े भेजूँगी। तो क्या संदेश देना चाहेंगी और माताओं के लिए, और माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? और माता ने मैं सारिया ने समझाऊंगी, बच्चा ने खूब पढ़ाओ और खूब खुड़ाओ, मिलिट्री में लाओ, पछाड़ नाटियो, देश की सेवा करें। इतना गर्व है जी, आज दूर दूर से लोग आपके यहाँ आए हैं बेटे को श्रद्धांजलि देने, कितना गर्व होता है देख कर जी, मेरा बहुत चांदना हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, घनी खुशी हो रही है। मेरे का कोई अंदेश नहीं, मेरा बेटा का मेरे इतनी खुशी हो रही है, देख मेरे बेटे खातर भी कितना परिवार आ रहा है। कब बात हुई थी जी आपके उनके साथ? आपके साथ जी गुरुवार नहीं थी, बुधवार ने 5 दिन में गया। जानकारी के मुताबिक जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर सुबह हंसेवाला गांव में पहुंचा। उनकी शहादत से गांव दुखी है। इस दौरान SDM चिनार चहल, तहसीलदार रमेश कुमार समेत सेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। शहीद की अंतिम विदाई में भारी भीड़ उमड़ी। शहीद की पत्नी पूजा को अपने पति पर बहुत गर्व है। मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आर्मी में ही भर्ती करूँगी, सैल्यूट करूँगी। जब यहाँ आते थे तो देश के बारे में बात करते थे, रक्षा के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। तो आपकी बात कब हुई थी आखिर? मेरी बात सब परिवार को हुई थी, वो बोल रहे थे नवंबर में छुट्टी आएंगे 10 तारीख के बाद। बाहर को कॉल आई थी, अटेंड नहीं कर पाई, उसके बाद मेरी बात हुई सब। तो अगले महीने आने की कह रहे थे। बेटे की शहादत के बाद भी परिवार का जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि देश की सेवा में अपनी अगली पीढ़ी को भी लगाने का मन बना लिया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा BJP के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला भी पहुंचे। हमारे लिए एक तरफ जहां बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में हम सबके बीच से चला गया, लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। इसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है। महज 30 साल की उम्र में बेटे की शहादत से परिवार दुखी तो है, लेकिन उन्हें गर्व है कि उनके बेटे की जान देश की रक्षा करते हुए गई। परिवार ने अपने बेटे से आखिरी बार 2-3 दिन पहले बातचीत की थी, जब शहीद ने अपनी वर्दी सबको दिखाई थी और नवंबर में घर आने का वादा भी किया था। अफसोस जयपाल वापस तो लौट आए, मगर अब वो परिवार की यादों में ही रहेंगे और गाँव के बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।